हम बात कर रहे हैं MOL की, मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। 105 तक के स्टॉक ने टारगेट दिखाए, वहाँ से रिजेक्शन के साथ, गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई। लेकिन जब रिजेक्शन लिया है 105 का लेवल, तो वहाँ से बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली। स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से आप अगर गिरावट आती है तो 100 का लेवल इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 98 का लेवल, और स्टॉक जब तक 90 के ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस बने हुए। अगर MOL के ट्रेंड को देखा जाए तो लगातार पॉजिटिव ट्रेंड है, अप ट्रेंड देता नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है, हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और हम इसको थोड़ा सा एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं स्टॉक में इससे पहले कहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, क्या पोजीशंस थी इससे पहले स्टॉक में। तो हम देख सकते हैं इससे पहले स्टॉक ने जहाँ से रिजेक्शन लिया था, देख सकते हैं स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था ऑलमोस्ट 105 के ही लेवल से। कब रिजेक्शन लिया था, तो ये ऑलमोस्ट फेब्रुवरी 24 में, यानी इसी साल में फेब्रुवरी मंथ में स्टॉक ने 105 तक के टारगेट दिखाए थे और वहाँ से रिजेक्शन लिया था। तो गिरावट कहाँ तक की आई थी, 72 तक का फॉल स्टॉक ने दिखाया था। फिर 72 के लेवल से स्टॉक रिकवरी दिखाता नज़र आ रहा है, लगातार अप ट्रेंड में। हम देख सकते हैं स्टॉक का चार्ट पैटर्न, स्टॉक में जंप के बाद जब भी गिरावट आई है तो अपने रिसेंट लो को स्टॉक ने कहीं पर भी ब्रेकडाउन नहीं किया है। हम देख सकते हैं जंप पर हाई ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है और स्टॉक का ट्रेंड है पॉजिटिव। अपने हाई के आसपास से, रेजिस्टेंस के आसपास से गिरावट दिखाई है, लेकिन बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली, छोटी मोटी गिरावट के साथ क्लोजिंग है। और 100 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो वैसे कंडीशन में ये जो इसका हाई 104-105 का लेवल, इस लेवल के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। तो नीचे की ओर जैसे हमने डिस्कस किया था सपोर्ट लेवल को, अब हम बात करेंगे यहाँ से टारगेट की। 105 का जो लेवल है इमीडिएट टारगेट है, इसका रेजिस्टेंस है। हमने देखा था कि फेब्रुवरी महीने में भी स्टॉक ने यहीं से रिजेक्शन लिया था, लेकिन इस दफ़ा ब्रेकआउट के चांस बने हुए, हाईली चांस है ब्रेकआउट के, क्योंकि स्टॉक ने 100 का जो लेवल है वो बड़े बाइंग के साथ, बड़े जंप के साथ ब्रेकआउट दिया है। देख सकते हैं इसमें बायर्स बाइंग कितने देखने के लिए मिल रही है, ग्रीन कैंडल को नोटिस कर लो और उसके बाद सेलिंग को नोटिस कर लो कि छोटी मोटी गिरावट है, इतने बड़े जंप के बाद बड़ी गिरावट नहीं आई है। और जो पिलर्स 72 के लेवल पर इंटर हुए, जिसकी वजह से लगातार अप ट्रेंड देखने के लिए मिला, क्या वो एग्जिट करते नज़र आ रहे, कहीं पर भी बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही। इसका मतलब यह है जो बड़े पिलर्स, जो ऑपरेटर हम जिनको कहते, जो यहाँ इंटर हुए है, वह अपनी पोजीशंस अब भी होल्ड किए हुए, एग्जिट के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ और कुछ बड़ा होने के चांस नज़र आ रहे हैं। 105 के लेवल पर हमारी नज़रें बनी रहेगी, जैसे ही 105 का लेवल ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 108। 108 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो 110 इसके ब्रेकआउट के बाद 112 और 115 से लेके 118-120 तक का भी जंप स्टॉक दिखा सकता है। फिर जो मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा MOL, वो 118-120 के आसपास करेगा, 118-120 के आसपास से फिर इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ से फिर स्टॉक में सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।